टू ऑल माई डियर व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपसे नेगेटिव इमोशंस के हवाले से एक जनरल डिस्कशन की थी कि वो हम पर कैसे असरअंदाज होते हैं, नेगेटिव इमोशंस का हमारे माइंड पर क्या इफेक्ट होता है। अपने नेक्स्ट वीडियोस में मैं उन नेगेटिव इमोशंस को डिस्कस करूंगा जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, जैसा कि एंगर, फियर, फ्रस्ट्रेशन, शेम, गिल्ट, लोनलीनेस। और आज की भी मेरी वीडियो उसी सीरीज से कनेक्टेड है। आज हम जिस इमोशन के बारे में बात करने लगे हैं वो ऐसा इमोशन है जो हम अपने डे टू डे लाइफ में 3 से 4 दफ़ा तो फील कर ही लेते हैं। येस, द इमोशन आई एम टॉकिंग अबाउट इज द इमोशन ऑफ डिसकम्फर्ट। बोरियत, बेचैनी, इम्पेशेंस, डिस्ट्रेस एंड माइल्ड एम्बैरेसमेंट, ये सब के सब इमोशन ऑफ डिसकम्फर्ट के डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं। यहाँ तक तो बात समझ आती है, लेकिन जो चीज़ हम नहीं समझ पाते वो मैसेज है जो इमोशन ऑफ डिसकम्फर्ट हमें कन्वे करता है। द मैसेज इज समथिंग इज नॉट क्वाइट राइट। हो सकता है हम किसी चीज़ को जिस अंदाज में परसीव कर रहे हों, उस अंदाज में परसीव करने की वजह से हम डिस्कम्फर्ट को फील कर रहे हों, या एक एक्शन के थ्रू जो रिजल्ट्स या जो क्वालिटी ऑफ रिजल्ट्स हम हासिल करना चाहते हैं वो हासिल ना कर पा रहे हों, जिसकी वजह से एक इस्तराब की कैफियत हो। लेट्स डिस्कस कि हमने इमोशन ऑफ डिस्कम्फर्ट को डील कैसे करना है। स्टेप नंबर 1, हमने अपनी मेंटल स्टेट को चेंज करना है। हम मेंटल स्टेट को 3 तरह से चेंज कर सकते हैं। नंबर 1, अपने फिजिकल पोस्चर के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम लेज़ी पोस्चर में बैठे होते हैं तो हम लेज़ीनेस ही फील करते हैं, लेकिन अगर हम अपने पोस्चर को चेंज करें और एक एक्टिव पोस्चर में आएं तो हम एक्शन के लिए रेडी हो जाते हैं। नंबर 2, जब भी हम कोई नेगेटिव इमोशन फील करते हैं तो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, तो अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए ब्रीदिंग पैटर्न है उसको नॉर्मल करें। 3rd, बजाय इसके कि आप इमोशन ऑफ डिस्कम्फर्ट को अपने ऊपर हावी होने दें, आपने खुद से ये क्वेश्चन करना है कि हाउ कैन आई ओवरकम दिस, मैं इस पे कैसे काबू पा सकता हूँ। द सेकेंड स्टेप इज गेन मेंटल क्लैरिटी। बाज़ूकात हमें ये समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या फील कर रहे हैं, और मेंटल क्लैरिटी ना होने की वजह से हम अनइजीनेस को फील करते हैं। तो मेंटल क्लैरिटी के लिए आप खुद से ये सवाल करें कि आप क्या चाह रहे हैं या क्या चाहते हैं। तो जब आपको ये क्लियर हो जाएगा तो आप यकीनन उसका कोई सोल्यूशन भी ढूंढ निकालेंगे। स्टेप नंबर 3, चेंज योर परस्पेक्टिव एंड रिफाइन योर एक्शंस। हो सकता है आप एक चीज़ को जिस परस्पेक्टिव में देख रहे हों वो ठीक ना हो, लिहाजा उसी चीज़ को ज़रा डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट परस्पेक्टिव से अप्रोच करें, तो जो कन्फ्यूजन है या मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो जाए, जिसके साथ आपकी जो इमोशन ऑफ डिस्कम्फर्ट है वो भी रफा हो जाए। एक्शन को रिफाइन करने से मुराद ये है कि प्रेजेंटली जो मेथड्स आप यूज़ कर रहे हैं रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए, लेकिन जिस तरह से रिजल्ट्स आप अचीव करना चाहते हैं उनको अचीव नहीं कर पा रहे, तो आप अपने मेथड्स को मॉडिफाई करें या फिर न्यू मेथड्स को यूज़ करें, ताकि जिस तरह से रिजल्ट आप अचीव करना चाहते हैं और जो क्वालिटी ऑफ रिजल्ट आप अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर सकें। जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगा कि इंटेंसिटी के हिसाब से इमोशन ऑफ डिस्कम्फर्ट सबसे निचले लेवल पर आता है, लेकिन अगर सही टाइम पर और सही तरीके से इस इमोशन को डील ना किया जाए तो 4 दिन के बाद, हफ्ते बाद, महीने बाद पॉसिबिलिटी है कि यही इमोशन ऑफ डिस्कम्फर्ट इतना इंटेंस हो जाए कि उसके बाद इसका एक्सपीरियंस आपके लिए इंतहाई पेनफुल हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपकी ज़िंदगी में कुछ आसानी पैदा करेगी। थैंक्स अ लॉट, कीप स्माइलिंग, अल्लाह हाफिज़।